Hello, students, welcome to CG Board Online Classes. So, today we are going to start Section B, The Vagabond. So, it is from your book, Class 7th, My English Garden, Unit 5 Travel. So, Unit 5 Travel, humne start have or And, Section A, hai, that is childhood memories, we have done. So, in this video, we are going to start Section B of Travel, that is the वेगा बॉन्ड, सो वॉट डू यू मीन बाय वेगा बॉन्ड ओके वेगा बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है लुक एट दिस पिक्चर ओके ये पर्सन दिख रहा है आपको ठीक है जो कुछ सामान रखे ऐसे ही बिल्कुल केयर फ्री होकर बाहर निकल गए, है ओके सो एक्चुअल में जो ये वेगा बॉन्ड है ये होता क्या है और इस वेगा बॉन्ड ये जो पोयम है वेरी इंटरेस्टिंग पोयम और इसके पोएट कौन है So first of all, before knowing what is vagabond, who is vagabond and what is given, what is expressing in this poem by the poet, let's have an account of an introduction of the poet Robert Louis Stevenson. Okay? So who is Robert Louis Stevenson? So Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist. Thi. उनका बर्थ 1850 में हुआ था एंड उनकी डेथ हुई थी 1894 में सो स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे पोएट थे एसेसिस्ट शॉर्ट स्टोरी एंड ट्रेवल राइटर हु हैज हु वाज बोर्न इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड तो एक्चुअल में इनका जो बर्थ प्लेस था वो क्या था स्कॉटलैंड था वो पोएट भी थे स्टोरी राइटर भी थे और ट्रेवल राइटर थे जो तो उन्होंने अपना इस Uh, जो पोयम है इसमें अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस शेयर किया है सो ही एन सक्सेसफुल राइटर हु अचीव्ड अ लॉट ऑफ फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वो बहुत ही सक्सेसफुल राइटर थे जो जिन्होंने लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा नाम कमाया फेम अचीव किया फेमस बुक्स अब उनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी है ट्रेजर आइलैंड किडनेप्ड एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड सो उनका फर्स्ट वर्क है ट्रेजर आइलैंड जो इम्पोर्टेंट फेमस बुक्स है देन किडनैप्ड एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस इज हिज फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस सो ये सारे उनके रॉबर्ट लुइस स्टिवनसन के वर्क थे सो ये जो पोयम है ठीक है दैट इज द वेगा बॉन्ड इसमें जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है और वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग ठीक है ट्रैवल से कौन से उन्हें फ्रीडम क्या फ्रीडम ऑफ था वो अचीव करते हैं दैट इज दट ही एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम ओके सो लेट्स स्टार्ट द वेगा बॉन्ड वुड यू लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल द टाइम एंड नटल डाउन एनी वेयर what would such a such a life be like so क्या आप ट्रैवल करना चाहेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पूरे टाइम और कभी भी सेटल नहीं होंगे कहीं भी मतलब कहीं भी आप सेटल नहीं होंगे आपका घर कोई परमानेंट होम नहीं होगा और आप हमेशा पूरी लाइफ टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करते रहेंगे ट्रैवल करते रहेंगे what would such a life be like इस तरीके की लाइफ कैसी होगी किस तरीके की होगी ओके सो ऐसी लाइफ किसकी होती है वेगा बॉन्ड की सो वट इज द वेगा बॉन्ड सो बॉन्ड इज अ पर्सन हु फ्रॉम प्लेस प्लेस टू विदाउट अ होम और जॉब एक वेगा बॉन्ड जो होता है ऐसा पर्सन होता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के वंडर करता है घूमता कर रहता है जिसका खुद का कोई घर नहीं होता स्टेबल कोई हाउस फैमिली और जॉब नहीं होती है टू चूज अ फ्री लाइफ ओके वो फ्री लाइफ चूज करता हैप्पी लाइफ वो क्योंकि चाहता है कि लाइफ में जब हम फैमिली जॉब और होम होता है तो हम क्या होते हैं बाउंड हो जाते हैं बंध जाते हैं तो वो चाहता है फ्री लाइफ और वाई बिकॉज जो फ्री लाइफ होती है वो हैप्पी लाइफ होती है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है सो so, ट्रेवल ब्लॉगर और राइटर कैन बी अ बॉन्ड कोई भी जो ट्रेवलिंग के बारे में जो ब्लॉग्स लिखते हैं ट्रेवल राइटर उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं क्योंकि वो अपना ट्रेवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी राइटिंग के थ्रू ठीक है और उनके पास भी क्या होता है फ्रीडम ऑफ था वो भी अपने विचारों से स्वतंत्र होते हैं सो इन द सेम वे ओके यहाँ पर पोइट वेगा की जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट द गिव टू मी द लाइफ आई लव लेट द लेव गो बाय मी गिव द जॉली हैव एन अबो एंड द बाय वे नाई मी यस सो यहाँ पर पोइट कहते हैं गिव टू मी द लाइफ आई आई लव मुझे ऐसी लाइफ दो जो मैं चाहता हूँ अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किस टाइप की लाइफ चाहते हैं लेट द लेव गो बाय मी सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेव लेव मीन्स वॉटर वॉशिंग अगेंस्ट और ओवर सम वन ओके जो वॉटर वॉशिंग एक्चुअली लेव मीन्स वॉश ठीक है washing, जो वॉटर है वॉशिंग जो वॉशिंग वॉटर है उसके आसपास से जा रहा हो गिव द जॉली हैवन अबोव और जो हैवन है वो कैसा होना चाहिए जॉली होना चाहिए एकदम खुश जो खुशनुमा हेवन है वो ऊपर होना चाहिए मेरे और जो पानी है वो मेरे बगल से जा रहा हो लेट द लेव गो बाय बाय मी मी कि बायस मेरे पास से जा रहा हो और हेवन ऊपर हो ठीक है जो एकदम सेफ वार्म कंफर्टेबल कह सकते हैं या फिर आप हेवन तो समझते होंगे हेल एंड हेवन ठीक है तो जॉली हेवन को यहाँ पर जॉली कह रहा है तो जॉली कौन होता है जॉली जो बिल्कुल खुशनुमा होते हैं जॉली नेचर कहते हैं ना हम हसमुख सो so, जॉली तो के लिए यूज होता है सो जॉली हेवन इज अ एक्चुअलिफिकेशन यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज योर परसोनिफिकेशन जॉली हेवन है वो की ऊपर जॉली हेवन होना चाहिए वाटर या वॉशिंग जो स्ट्रीम्स होनी चाहिए वॉशिंग वाटर वो मेरे आसपास से जा रहा होना चाहिए एंड वे नाई मी ठीक है so, सो नाई मीन्स क्लोज इज द मीनिंग ऑफ नाई क्लोज जो छोटा सा रूट होता है या रास्ता होता है अ माइनर पाथ ठीक है अ स्मॉल पाथ कोई हाईवे नहीं हो एक स्मॉल पाथ हो मेरे सामने ठीक है बाय मी नाई मी ठीक है क्लोज बाय मी सो वाई बिकॉज ही वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू देयर क्योंकि रास्ता हमेशा खुला हुआ होना चाहिए ऊपर आसमान होना चाहिए पानी होना चाहिए मतलब वो एकदम एटमोस्फियर ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है कि एवरी वियर, वियर ही फ्रीडम, ओके ये सब जगह कैसा होना चाहिए ओपन स्पेस होना चाहिए ओके ओपन फ्री लाइफ यस बेड इन द बुश विथ स्टार्ट टू सी ब्रेड आई डेप इन द रिवर देयर द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी देर द लाइफ फॉर एवर सो फर्स्ट स्टैंड में पोइट कहते हैं कि बेड इन द बुश विथ स्टार्स टू सी जो मेरा बिस्तर हो है ना बेड मतलब वो कहां सोना चाहते हैं बुश में जो झाड़ियाँ होती है ठीक है और वहां पर वो खुले आसमान के नीचे झाड़ियों में अपना बेड बनाना चाहते हैं ताकि वो वहां से क्या देख सके जो स्टार्स हैं नाइट में जो स्टार्स हैं उन्हें वो देख सके ब्रेड आई डिप इन द रिवर और उन्हें खाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए ब्रेड चाहिए सिंपल रोटी चाहिए एंड पीने के लिए पानी तो वो चाहते हैं कि जो ब्रेड होगी मैं उसे किस में डिप करके खाऊंगा रिवर के वाटर में सो ब्रेड आई डिप इन द रिवर देयर इज द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी सो यही इस टाइप की ही लाइफ वो चाहते हैं अपने लिए जो वेगा बॉन्ड होते हैं जो ट्रेवल करते रहते हैं वॉन्डर करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो so, वो कहते हैं कि देयर इज द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसी टाइप की लाइफ है और ही extremely wants है ना वो एक्सट्रीमली डिज़ायर करते हैं इस टाइप की लाइफ के लिए देयर इज द लाइफ forever एवर और वो हमेशा ऐसा ही ऐसी ही लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं कि खुला आकाश होना चाहिए ठीक है कि जो बेसिक नीड्स है खाना पीना सोना ठीक है तो सोने के लिए उनके लिए झाड़ियाँ होंगी बुशेस होंगे देन आफ्टर उनके लिए वाटर होगा रिवर वाटर एंड ब्रेड होगा रोटी होगी जिसे वो रिवर वाटर में ही डिप कर लेंगे ओके सो फर्स्ट स्टेंजर में वो बता रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी चीजों का कोई भी मटेरियलिस्टिक स्टिक नहीं है वो किसी भी मटेरियल का कोई मोह नहीं है ओके नाउ नेक्स्ट इज लेट द ब्लो फॉल सून और लेट लेट वॉट विल बी ओवर मी फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी ठीक है अब वो कह रहे हैं ब्लो फॉल सुन और लेट एटर ब्लो फॉल ब्लो फॉल सुन और लेट इट मीनस डेथ ओवरटेक मी सुनर और लेटर की जब भी डेथ को आना हो है ना वो तो आएगी ही चाहे जल्दी चाहे लेट से तो लेट द ब्लो फॉल सून और लेट क्यों ना कोई चिंता नहीं है जब भी डेथ आना होगा जब भी मौत आनी होगी वो तो आ जाएगी चाहे जल्दी से चाहे देर से बिकॉज़ वो तो डेफिनेट है आना ही है उसे लेट व्हाट विल बी ओवर मी ठीक है कि जो भी मेरे ऊपर हो जो भी मेरे बाद हो रहा हो तो वो होने दो मुझे उसे कोई लेना नहीं देना व्हाट लेट व्हाट विल बी है ना जो भी होगा ओवर मी गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड मेरे सामने मेरे चारों तरफ या चारों तरफ वो क्या चाहते हैं अर्थ का फेस मतलब हर तरफ उनके चारों तरफ अर्थ हो ओपन जैसे कि ऊपर ओपन स्काई हो नीचे लैंड हो तो इस तरीके से चारों तरफ ओपन एरिया हो एंड द रोड बिफोर मी और मेरे सामने रास्ता होना चाहिए ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के ईजिली क्या कर सके ट्रेवल कर सके सो so, इस तरीके वो विश करते हैं ठीक है पोइट कि वो ऐसे ही लाइफ जीना चाहते हैं एकदम फ्रीडम वाली लाइफ बिना किसी केयर के ठीक so है, है ना, वो कुछ नहीं रखे हैं, बस थोड़ा उनके लिए जितनी बेसिक नीड है कि एक क्लॉथ है है ना अगर कहीं उन्हें कुछ गर्म करने की जरूरत है तो एक कैटल रखे है स्टिक रखे हैं एंड वो निकल पड़े हैं उन्हें जहां भी जाना है ओके यस नेक्स्ट इज वेल्थ आई सीक नॉट होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी ऑल आई सीक द हैव एन अबो एंड द रोड बिलो मी सो हियर द पोएट से पोइट कहते हैं कि वेल्थ आई सीक नॉट वेल्थ मीन्स उन्हें ना धन चाहिए कोई ना उन्हें होप है ठीक है ना ही उन्हें लव चाहिए उन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं लाइफ से ना उन्हें धन चाहिए ना ही कोई फैमिली चाहिए ना ही कोई फ्रेंड चाहिए जो उन्हें ऑल आई सीक द हेवन अबो अब वो बार बार इस लाइन को रिपीट करते हुए कहते हैं जो मैं चाहता हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ ऑल आई सीक हेवन अबो कि मेरे ऊपर एकदम खुला आसमान हो आकाश हो एंड रोड बिलो मी और मेरे पैरों के नीचे क्या होनी चाहिए रोड होना चाहिए रास्ता होना चाहिए कि मैं बस चलता चलूँ इसके अलावा उन्हें कोई भी होप नहीं है लाइफ से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना ही उन्हें फैमिली चाहिए ना फ्रेंड चाहिए ना होम चाहिए ना उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए वेल्थ चाहिए धन चाहिए न लव और ना ही होप कोई भी आशा नहीं है उन्हें ओके और ना ही वो इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि डेथ को जब आना है तब वो आ जाएगी एक्चुअल so, जो उन्हें तो, तो वैसे कंप्लीट कर देती है, है. है ना बेसिक नीड्स में रोटी कपड़ा और मकान तो वो बता दिए पानी भी उन्हें मिल रहा है ब्रेड भी वो डिप करके खा सकते हैं ठीक है थीके? और कपड़ा एक ही कपड़े में उनकी लाइफ चल जाएगी सोने के लिए कोई उन्हें कंफर्टेबल बेड की जरूरत नहीं है कहीं भी वो सो सकते हैं तो जो भी उनकी लाइफ की बेसिक नीड्स है वो तो अर्थ ऑलरेडी उन्हें प्रोवाइड कर दिए। है सो क्यों वो अपने लाइफ के जो इंजॉय है फ्रीडम है जो फ्रीडम का जो इंजॉय है उसे वो क्यों खोना चाहे वो चाहते हैं कि वो ऐसी लाइफ जिए कि जहाँ कोई बाउंडेशन नहीं हो किसी भी चीज का चाहे वो फैमिली हो फ्रेंड्स हो होम हो वेल्थ हो लव होप हो एनीथिंग ओके नेक्स्ट इज और लेट ऑटम फॉल ऑन मी Where अ फील्ड आई लिंगर साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर सो वॉट डज इट मीन और लेट ऑटम फॉल ऑन मी मीन्स जब ऑटम सीजन आएगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए जब ठंड होती है Where a अ फील्ड आई लिंगर अ फील्ड मीन्स अ फील्ड मीन्स सम वेर फार अवे है ना बहुत दूर समवेयर फार अवे बहुत ही दूर लिंगर मीन्स टू स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर ठीक है स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन एनी प्लेस कि जब हम किसी एक ही प्लेस में बहुत देर तक के बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं दैट इज कॉल्ड योर लिंगर एंड अ फील्ड मीन्स समवेयर फार अवे कि अगर ऑटम भी आती है अगर इतनी ज्यादा ठंड भी आती है विंटर सीजन आता है ऑटम सीजन आता है तब भी वो क्या करेंगे रुकेंगे नहीं उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा वो चलते ही रहेंगे और किसी दूर वाले प्लेस में जाकर वो ठीक है क्या करेंगे मतलब हैपली वो स्टे करेंगे एकदम से लॉन्ग टाइम के लिए साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री तो ये जो ऑटम होती है इस तरीके से वो किस टाइप की ऑटम है किस टाइप की कि जो बर्ड है ट्री पर वो उसे भी साइलेंट कर देती है शांत कर देती है मतलब इस टाइप की जो कंडीशन होती है सिचुएशन आती है कि अलग अलग सीजन आएंगे ना रेनी सीजन विंटर सीजन ऑटम सीजन ठंड ठंड इतनी ज्यादा है कि जो बर्ड्स हैं जो पक्षी हैं वो भी शांत हो गए हैं बाइटिंग द ब्लू फिंगर बाइटिंग द ब्लू फिंगर की मीनिंग क्या है जब ठंड ज्यादा होती है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, है जम जाता है तो हमारी फिंगर कैसे हो जाती है ब्लू हो जाती है बाइटिंग मतलब, मतलब कि ऐसी ठंड जो काटने वाली ठंड कि बहुत जो ज्यादा ठंड होती है सो बाइटिंग द ब्लू फिंगर की हमारी जो बॉडी को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है कि जो फिंगर है वो ब्लू हो गई है और बिल्कुल उसको बी बाइट करने वाली इतनी ज्यादा ठंड वेरी कोल्ड ओके सो कोल्ड नाउ नेक्स्ट इज वाइट एस मील द फ्रॉस्टी फील्ड वार्म द हेवन नॉट नॉट टू विल आई येल्ड टू विंटर इवन सो हियर द पोएट से फ्रॉस्टी फील्ड जो फील्ड है ठीक है जो पूरे फील्ड्स हैं वो कैसे हैं उन पर बर्फ जम गई है तो वो बिल्कुल फ्रॉस्ट मतलब जो ऊपर से बर्फ जम जाती है तो फ्रॉस्टी फील्ड हो गए हैं वाइट एस मील बिल्कुल वाइट है मील की तरह द फ्रॉस्टी फील्ड वार्म द फायर साइड हेवन सो तो जो हेवन है, मींस एक कंफर्टेबल वार्म प्लेस ठीक है तो कंफर्टेबल वार्म प्लेस इज कॉल्ड योर एच ए वी एन हेवन सेफ वार्म एंड कंफर्टेबल प्लेस वाम द फायर साइड एंड फायर साइड मीन्स एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या होता है द एरिया राउंड अ फायर प्लेस ठीक है होम फैमिली एटसेट्रा इस टाइप का जो एरिया होता है जहां पर चा, चारों तरफ क्या होती है फायर होती है सो वाम द फायर साइड है कुछ बहुत बड़ी ठंड आई तो अब भी मैं क्या करूँगा वहां पर जो भी मुझे खाने को मिलेगा मैं वहां खा लूंगा और कोई कंफर्टेबल वार्म प्लेस ढूंढ के अपने जो विंटर है उसको काट लूंगा तो ऐसा वो प्लान करते हैं पोइट अपने लिए नॉट टू ऑटम विलाई नॉट टू विंटर इवेंट कि चाहे ऑटम हो चाहे विंटर सीजन हो चाहे कितनी भी ठंड हो कैसा भी सीजन हो मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ कि मतलब वो कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल तो चेंज नहीं करेंगे और वो हमेशा क्या करेंगे ट्रैवलिंग करते ही रहेंगे ट्रैवल ओके क्स्ट इज सो लुक पिक्चर फर्स्ट यहाँ पर देखो यहाँ पर आप आपके बैठे हुए, और वो बता रहे हैं, अगर ऐसे विंटर सीजन आया तो जो भी उन्हें मिलेगा कंफर्टेबल वार्म प्लेस में और जो भी मिलेगा वो उसे बना के खा लेंगे जिस तरीके से भी मैनेज करके है ना और बट वो रुकने वाले नहीं है चाहे कितनी भी ज्यादा ठंड ठंड हो, बाइट करने वाली, कि फिंगर भी ब्लू हो जाए इस तरीके की ठंड हो तब भी वो रुकने वाले नहीं है रोड बिफोर मी सो अगेन वो सेम लाइन्स रिपीट कर रहे हैं पोइट लेट द ब्लो फॉल ब्लो फॉल मीन्स कि ब्लो फॉल सून और लेट मतलब डेथ चाहे जल्दी आ जाए चाहे डेथ मुझे ओवरटेक कर ले चाहे अभी चाहे बाद में सुनर और लेटर बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ उनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उसके बाद क्या होगा गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड चारों तरफ मुझे अर्थ ही चाहिए लैंड चाहिए खुला एरिया चाहिए स्पेस चाहिए एंड द रोड बिफोर मी और मेरे सामने रोड होनी चाहिए ताकि मैं इजिली ट्रेवल कर सकूँ नाउ नेक्स्ट इज वेल्थ आई आस्क नॉट होप नॉट लव नोट अ फ्रेंड टू नो मी रोड बिलो मी सो अगेन बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं ये बताने के लिए कि उन्हें कोई भी डिजायर नहीं है उन्हें लाइफ से कोई भी डिजायर कोई भी होप नहीं है उन्हें कुछ भी वेल्थ पैसा फैमिली लव एक्सपेक्टेशन होप ना कोई फ्रेंड्स कुछ भी नहीं चाहिए all i ask the heaven above मुझे सिर्फ एक ऊपर खुला हेवन चाहिए खुला आकाश चाहिए एंड रोड बिलो मी और मेरे नीचे रोड होनी चाहिए ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोयम कि जिसमें वो पोएट अपनी डिजायर जो एक्चुअल में वो जो ऐसी लाइफ चाहते हैं वो चाहते हैं एकदम फ्री लाइफ तो वो फ्री लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं और इसमें स्पीकर जो पोयम पोएट हैं वो अपनी डिजायर को शो कर रहे हैं ओके सो हियर द पोएट हिज अर्नेस्ट डिजायर टू लीड अ लाइफ, अनट्रबल्ड एंड हैप्पी गो लकी लाइफ अनट्रबल्ड मतलब अगर कोई फैमिली नहीं है कुछ भी नहीं है वो किसी भी चीजों से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते फैमिली से फ्रेंड से सो so, कोई भी ट्रबल भी नहीं होगा सो so, उनकी लाइफ कैसी होगी हैप्पी एंड लकी ही मटेरियल कम्फर्ट उन्हें कोई भी मटेरियल कोई भी सामान नहीं चाहिए पैसा नहीं चाहिए केवल वो बाहर रहना चाहते हैं, open area में और nature की company में। और वो बार बार पोएट रिपीट करते हैं ये लाइन को ये बताने के लिए कि एंड अ लाइफ फुल ऑफ जॉयस ऐसी जो लाइफ होगी वो फुल ऑफ जॉयस होगी ठीक है जॉय होगा हैप्पीनेस होगा रिपीटिशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं एम्फेसिस उसमें हम क्यों क्योंकि हम एम्फेसिस एक प्रभाव बनाना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं बार बार हम एक ही चीज को बोल के क्या बताते हैं कि एक्चुअल में हम क्या चाह रहे हैं ओके सो दिस इज अबाउट द पोयम ठीक है सो यहाँ पर जो पोयम है वो सेलिब्रेट कर रही है द पोयम सेलिब्रेट्स अ वेगा बॉन्ड लव फॉर फ्रीडम कि जो वेगा बॉन्ड है उसका फ्रीडम के प्रति जो प्यार है एंड इज लव फॉर द आउटडोर्स ऑल द फोर स्टेंजा जो भी इसके चारों स्टेंजा इस हैं वो रिपीटेडली एम्फेसाइज कर रहे हैं उसके जॉय को है ना और एक इंडिपेंडेंट लाइफ को आउटडोर की जो बिल्कुल भी सारी प्रॉब्लम से पूरे हैसल से फ्री है पोयम गिव द मैसेज अब एक्चुअल में ये पोयम हमें क्या मैसेज देती है मैसेज टू लिव अल्थ अव एटीट्यूडल लाइफ जीनी होती है और कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्योंकि जितने भी हमें बेसिक नीड्स जो चाहिए ओके की द बेसिक नीड्स है ना ऑल वी नीड अ बैड ऑफ ग्रास अ रूफ ऑफ स्टार्स सम ब्रेड टू ईट समर टू ड्रिंक तो ये सारी चीजें तो हमें प्रोवाइड कर देते हैं गॉड या अर्थ हमें नेचर तो मिल जाती है सारी चीजें हाउ एवर इन दर्सूट ऑफ अवर वॉन्ट्स परंतु जब हम चाहते हैं हमारी जो इच्छाएं हैं कभी भी वो कैसी होती है खत्म नहीं होती है ठीक है हमें जितना भी मिल जाए हमारी जो डिजायर है वो तो हमेशा बढ़ती ही जाती है कि अब ये नहीं अब ये चाहिए तो उसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते हैं है ना वी फॉर टू के लिए चिंता करने लगते हैं। और जो सिंपल लाइफ है सिंपल थिंग्स है उन्हें भी हम इंजॉय नहीं करते हैं द वैगा बॉन्ड इज इंटरेस्टेड इन लाइफ ऑफ अनलिमिटेड ट्रेवल परंतु वैगा बॉन्ड ऐसा नहीं चाहता है वो चाहता है कि उसे अनलिमिटेड ट्रैवल मिले He does not ask for wealth. उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था ना होप चाहिए ना लव चाहिए ना हेल्थ चाहिए और वो ये सच भी जानता है कि He will die sooner or later, कि एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है हमें डेथ मिलेगी ही सो so, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जितनी लाइफ हमें मिली है हम उसे अच्छे से जितना पॉसिबल हो इन्जॉय करे सिंपल लाइफ जिए कि जितनी हमारी नीड है अगर वो पूरी हो रही है, तो हम उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें एंड खुश रहें और सिंपल थिंग्स को ही इंजॉय करें ये नहीं कि ज्यादा पाने के लिए हम सिंपल थिंग्स को ही भूल जाएं और दुखी होने लग जाएं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है कंप्लेन करें वरी हो गॉदर हो इन चीजों के लिए या फिर चिंता करें कि डेथ आने वाली है और हमारे पास कुछ नहीं हैज द पोएट इसलिए जो पोएट चूज करता है द लाइफ Of a vagabond. कि किस ताँग, किस ताँग की लाइफ होनी चाहिए vagabond जैसी मतलब so, तरीके से जो हमारे हैं रॉबर्ट लुइस वो भी क्या है एक ट्रैवल पॉइंट है ट्रैवल पॉइंट मतलब यहाँ से वहां ट्रैवलिंग करते हैं और जो भी उनका एक्सपीरियंस है रियल लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसे वो शेयर करते हैं ओके okay? सो so, आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी देखा आपने ठीक है परसोनिफिकेशन है मेटाफोर भी है कहीं कहीं सिमली भी है ओके सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम सो होप यू एंजॉयड द पोयम थैंक यू डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग